নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত আহতগুৰ নিৰ্বাচনী ৰণলংকা বজালে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি অমিত শ্বাহে। অসমত ৰঙালী বিহুৰ বা বলাৰ সময়তে নিৰ্বাচনী ৰণদংকা বজাবলৈ অসমত আহি ভিৰ কৰিছেহি ৰথী মহাৰথী। লক্ষ্য কেৱল নিজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থীক বিপুল ভোটত জয়ী কৰোৱা। শুকুৰবাৰে আহতগুৰিত এখন নিৰ্বাচনী সভাত নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰূপক শৰ্মাহে ভাগ ল'বলৈ অসমত আহি উপস্থিত হয় বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি অমিত শ্বাহ। মা কামাখ্যা, গোপীনাথ বৰদলৈ আৰু ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাক স্মৰণ কৰি শ্বাহে প্ৰদান কৰিলে উদ্দত্ত ভাষণ। নিৰ্বাচন সমাগত, গতিকে সকলো ৰাইজে যাতে নিজৰ ভোটদান যাতে বিজেপিক দিয়ে, অসমৰ পৰা গুজৰাট আৰু কন্যাকুমাৰীৰ পৰা কাশ্মীৰলৈকে যাওঁ, মাত্ৰ মোদী মোদী শুনো। কংগ্ৰেছে দেশখন লুটি পুতি খালে, তাৰ বাদে একো উন্নতি কৰিব নোৱাৰিলে। কংগ্ৰেছত মাত্ৰ পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি চলে। অসমত কংগ্ৰেছ অবৈধ বিদেশী প্ৰব্ৰজনকাৰী আনি সুমুৱালে, তাক বাহিৰ কৰা কোনো কাম নকৰিলে। কিন্তু বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত NRC আনিলে, যিয়ে অসমৰ পৰা এটা এটা বাংলাদেশী প্ৰব্ৰজনকাৰী বাহিৰ কৰাত সহায় কৰিব। যদি অসমৰ ৰাইজে ৰূপক শৰ্মাক বিপুল ভোটত জয় কৰাই সংসদলৈ পঠিয়াই আকৌ এবাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীক দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বনাই, তেনেহ'লে এইবাৰ এটাও বিদেশী অসমত থাকিব নোৱাৰিব। তাৰোপৰি ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীয়ে কয় যে ৰাহুল গান্ধীক যদি কেতিয়াবা তেওঁ প্ৰশ্ন কৰে, যদি কংগ্ৰেছৰ দল বিজয়ী হয় তেনেহ'লে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন হ'ব, সেই উত্তৰ ৰাহুল বাবাই দিব নোৱাৰে। ভাৰত মাতা কি কিউ ভাই নগাঁও ৱালো কি আৱাজ এসি আয়েগি ক্যা? মোদী জি উত্তর প্রদেশ মে হ্যাঁ, উনকা তক আওয়াজ জানি চাহিয়ে। মেরে সাথ দোনো হাত উঠাইয়ে, দোনো হাত উঠাইয়ে, বিজয় কে সংকল্প কি মুঠি বিঁচিয়ে আর প্রচন্ড আওয়াজ সে বলিয়ে, ভারত মাতা কি। কামাখ্যা কে চরণো মে মেরি নমন কর কর মেরি বাত কো শুরু করনা চাহতা হুঁ। और लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलई और हमारे भारत रत्न भूपेंद्र हजारिका को याद कर कर मेरी बात को शुरू करता हूं। मित्रों, इमाई महीने के अंदर लोकसभा का चुनाव आने वाला है। आप लोगों को भी इसमें अपने मत का प्रयोग करना है। पूरे देश के अंदर दो खेमे लग चुके हैं और प्रचार शुरू हो चुका है। मैं जहां पर भी जाता हूं, असम से लेकर गुजरात तक और कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, जहां पर भी जाता हूं वहां मोदी 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 मोदी, मोदी। और ये मोदी मोदी के जो नारे सुनाई पड़ते हैं वो बताते हैं कि इस चुनाव के अंदर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी से भी ज्यादा बहुमत के साथ फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। मित्रों, फिर से प्रधानमंत्री, और असम भी इसके बाहर नहीं है। ये अभी अभी जो असम की सभाएं में देख रहा हूं, उमड़ता हुआ जन सैलाब जो मैं देख रहा हूं, वो बताता है कि आसाम की दिशा क्या है। मित्रों, एक और तो मोदी जी की सभा है, मोदी जी की नेतृत्व में NDA इकट्ठा हुआ है, भाजपा पार्टी है, और दूसरी ओर राहुल बाबा के नेतृत्व में गठबंधन है जिनका कोई ना नेता है, ना नीति है, ना सिद्धांत। राहुल बाबा को मैं कई महीनों से पूछ रहा हूं, कि भाई राहुल बाबा तनी के बताइए, गलती से भी अगर आसाम की जनता ने आपको बहुमत दे दिया तो आपका प्रधानमंत्री कौन होगा? जवाब ही नहीं मिलता है क्योंकि उनका कोई प्रधानमंत्री ही नहीं। मुझे बताओ मित्रों, ये लोग हिंदुस्तान का विकास कर सकते हैं क्या? नहीं। जोर से बोलो, कर सकते हैं? नहीं। भारत को सुरक्षित रख सकते हैं? नहीं। भारत को आगे बढ़ा सकते हैं? नहीं। अरे जो गठबंधन अपना नेता तय न कर पाए
वो इस देश का नेतृत्व नहीं कर सकता है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई, नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अनेक काम किए हैं। नॉर्थ ईस्ट के अंदर अनेक काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आगे बढ़ाए हैं। मैं ज्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहता, परंतु मैं आसाम के लिए जरूर बोलना चाहता हूं। सबसे बड़ा काम अगर हमने किया है तो आसाम के अंदर एनआरसी को लागू कर एक घुसपैठियों को चिन्हित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने। संसत्तर थे कांग्रेस के शासन में घुसपैठिए घुसते गए, उनको निकालने का नाम कांग्रेस पार्टी नहीं देती, उनको आइडेंटिफाई करने का नाम नहीं देती थी। आज मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों, मोदी जी को एक और 5 साल दे दीजिए, आसाम के अंदर से एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इतना ही नहीं, जो आ गए हैं उसको निकाल देंगे, मगर नए आ न पाए इसकी चिंता भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मित्रों, मैं आपको आश्वासन देने आया हूं कि एक बार मोदी जी की सरकार बनने दीजिए, दोबारा सरकार बनने के बाद इंसान तो क्या, परिंदा भी वहां से यहां न आ सके, ऐसा चौक चौबंद बंदोबस्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार। दूसरा काम महत्वपूर्ण हमने किया है, 75 से